पीजेड जमीर अहमद खान साहब आज तक भी सब लोगों को मालूम है, चैनल वालों को, कि उन्होंने कभी भी लोगों के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि लोगों की किस्मत उनको बहुत, अपना घर का काम थोड़ा देरी करते हैं, लोगों का काम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का काम करते हैं। जो भी लोगों को ऐसा है कि हमारी चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे कि माँ एक बेटे को देखती है, बाप एक औलाद को देखता है, इस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को उन्होंने माँ बाप का दर्जा लेकर काम किया है। जब भी कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल की परेशानी होती है, जैसे कि माँ उठती है अपने बेटे का दर्द लेके, वैसे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना भाई समझ कर उन्होंने कोई हॉस्पिटल का रहा तो भी गरीब लोगों के लिए अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में एडमिट कराकर अपने हाथों से फीस देते हैं और इलाज कराते हैं। बच्चों को एजुकेशन के बारे में हर मजहब के लोग को जब आते हैं, कोई उनके शोहर नहीं है, कोई कमाई में कम है, तो पहले इमीडिएटली उनको चेक देकर उनकी फीस बनते हैं। और कोरोना के टाइम पर आप लोगों ने देखा है 224 एमएलए में जो जमीर साहब ने रात दिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दो बार भी ऐसे ऐसे किस्मत का काम किया, जैसे कि ऑटो ड्राइवर होंगे, आशा क्रेन वाले होंगे, दूसरा सिविल डिफेंस वाले होंगे, दूसरा गाड़ी ढकलने वाले, दूसरा मत मारने वाले, हर तरीके के टीचरों को, हर तरीके के लोगों को राशन में पैसा देकर ताउन कर उनको इस दुख की घड़ी में भी जमीर साहब को एक फरिश्ता बनकर साथ दिया है। मैं समझता हूँ ईडी वाले जो भी आप उनके पास डॉक्यूमेंट पूछेंगे, मैं कानून के हिसाब से जमीर साहब उनका हर जवाब दे रहे हैं, हर डॉक्यूमेंट भी उनको दे रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ बीजेपी के लोग ये उभरते हुए लीडर हैं, हर मजहब के लोग को साथ में लेके चलते हैं, अच्छे अच्छे कामों को खिदमत करके अंजाम दे रहे हैं बोलकर पेट जल्ला पास है। बीजेपी के बड़े बड़े लोगों मिलकर चुपके उनके हाथ में, सेंट्रल भी उनका है, स्टेट भी उनका है, ये पावर लेकर एक बेकसूर समीर साहब को झूठी बात में फंसाना चाहते हैं। जैसे कि रोशन बेग साहब ने 2.5 साल पहले इसमें फंसे थे, जेल को भी गए थे, समीर साहब को भी दो बार नोटिस दिया था, तो समीर साहब का कोई मामला नहीं है। बस ये बता रहे हैं एक सही है। देखो हिंदुस्तान में ये डेमोक्रेसी में मैं एक चीज लेता हूँ, खरीदने वाला जो भी है खरीद सकता है, हमना माल उसका पर्सनल से हमने क्या लेने देना, हमारी चीज है उनका पैसा है, इतना मालूम हमें, क्या मालूम पूरी गऊ गली बाहियों में वाले मंसूर भाई डुबाते हैं उनको, समीर साहब को क्या मालूम, उन्होंने जगह लिया, उन्होंने जगह लिया, ये 2.5 साल पहले क्लियर हो गया, साफ जाके समीर साहब जाके एक से दो टाइम खुलासा कर दिए। ये छोड़कर अभी आकर घर बनाने के बाद घर का काम कितने के हिसाब से चल रहा है, उनका घर बनाए, उन्होंने कितनी तकलीफ से बनाया, कितना खर्च लेके बनाए, वो उनको मालूम है, ये लोगों को क्या मालूम, समझिए बात है। उन्होंने जो भी किया है अपनी मेहनत से, अपने बिजनेस से गरीबों को हिदायत किया है, गैर गलत आदमी को जमाते भी नहीं, गैर गलत काम करने वाले को साथ लेते भी नहीं, सही काम कर रहे हैं, पार्टी का कांग्रेस का काम कर रहे हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, सब मजहब को साथ लेके चल रहे हैं, एक अच्छे लीडर हैं बीजेपी जमीर अहमद खान साहब। नौजवान लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो नौजवान लोग जगह जगह में, हमने कितने की नौजवान लोगों को रोका है, नहीं जो ईडी वाले पूछते हैं तो हमें कानून को इज्जत करना है, हमारे हिंदुस्तान का रिवाज है बोलकर हमने कितनों की रोकने के बाद भी उनकी चाहत पर, उनकी मोहब्बत पर रोक रहे हैं। ये तो आज कम देखा, कल से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा तो पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि जमीर भी कुछ चाहने वाले वैसे लोग हैं, क्योंकि तो नेक इंसान है, एक फरिश्ते जैसा इंसान है, कभी भी किसी का दिल तोड़ा नहीं, कभी भी गरीबी का गरीबों का मसीहा बनकर काम किए हैं वो लोग, तो जमीर भी कुछ चाहने वाले मैं समझता हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह हिंदुस्तान में है, कर्नाटक में नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर फैसला खैर का फरमाए और जमीर भी कभी भी सच्चाई पे रहें, इंशाल्लाह जमीर भी की सच्चाई की जीत होती है बोलकर ये जो नाटक कर रहे हैं, ये झूठे वादे जो कर रहे हैं, ये कभी कामयाब नहीं होते बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।